वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं महसूस करना कि कौमां दे जीवन दे लंबे सफर विच कई बार ठेडा लगता है, ते इन्ना भयानक ठेडा लगता है जिन्हां नूं असीं अपने जीवन विच घल्लूकारियां दे नाम थल्ले याद करने हैं। पर एक गल सोचियो, ठेडा लगन तो बाद हर मुसाफर दे मूँह हाय भी निकलती है, कोई एक जां दो जां तीन बार हाय कहिंदा है, पर हाय हाय कह के उत्थे बैठ जाण वाला मनुख ते लगातार हाय हाय ही कही जाए, उसनू बड़ा कमजोर बुजदिल मनुख मन्निया जांदा है। नहीं, उस तो बाद हाय कहना एक वारी ठीक है, दो बार ठीक है, उस तो बाद उठे उस ठेडे विच्चों मजबूती हासिल करे। हर ठेडा कदमां लई एक नवी मजबूती लैके आउंदा है, जिन्नू लैके अपने नाल हंडा के कोई मुसाफर अगे वधदा है, उनके कदमों में पहले नालों ज़्यादा मजबूती होंदी है। पर एक होर ख्याल करियो, अगे वधन लई दो पैरां दा, दो कदमों का एक दिशा वल वधना ते दोहां कदमों की एक दिशा होनी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि एक कदम एक पासे वधे दूजा दूजे पासे, कदी कोई मंजिल नहीं मिलती। जे तेनू ठेडा वज्जा अगे नालों मजबूत हो के अगे वधन लई तेनू एक मैसेज है वध, पर दोहां कदमों की एक दिशा बना। एक होर ख्याल करें, दिशा हमेशा एक मालिक दी एक आगू दी अगवाई विच बनती है। जे तेरा आगू ही वख वख होवे तेरी दिशा एक किवें हो सके। ते सतगुरु ने बाणी विच इसे लई आख्या, इक्का बाणी एक गुर इक्को शब्द विचार, साहिब मेरा एको है भाई एको है। एक नल क्यों जोड़िया सी, उसका मतलब सी कि सिख नू एक दिशा वल वधन लई इक्को एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी अगवाई दी लोड़ है, तां ही इस जीवन दी मंजिल मिलेगी। नहीं तो हर ठेडा इनू केवल हाय हाय कहन लई तां मजबूर कर देवेगा, पर उंदी दिशा उंदी मंजिल नेड़े नहीं लिया सकेगा। ठेडा जीवन लई मजबूती प्रदान करके जावे, यह हुई चढ़दी कला दा प्रतीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।